कि छिटी अलवा नगर पंचायत के वार्ड नंबर 13 में और यहां देखा जा रहा है कि पीड़िता परिवार है। बीते रात करीब 10 बजे के आसपास इसके घर में आगजनी हुआ और अचानक आग लगने से चार घरों एक तरह से बर्बाद हो गया, जल के राख हो गया है। और देखा जा रहा है कि इस घर में आग लगने के क्रम में यहाँ कुछ अनाज भी जल गया है और जरूरत जो भी आवश्यक कागजात थे वो भी जल के राख हो चुकी है। तो पीड़िता परिवार से आइए सुनते हैं और जानते हैं कि किस तरह से घर में आग लगा। तो आप सबसे पहले अपना नाम बताएंगे। दिनेश पासवान। सर ये कैसे घटना हुआ, सबकी घटना? 11/11/2021 को रात्रि 10 बजे जब हम सोए हुए थे अचानक कुछ आवाज़ आई आग को तुलते तो हम जब तक हल्ला हुए सारे समाज आए जो भी प्रतिनिधि आए लेकिन तब तक जो भी हुआ लेकिन जलकर तो राख हो गई। ये घटना कब की है, रात को कहीं सुनने नहीं था? 10:30 बजे है सर। तो आपने घर में आगजनी होने के बाद आपने की आवेदन वहाँ जो साहब को दिया जी? आज सुबह में CSAB आए, उसके बाद प्रभारी जो भी थे वो आवेदन लेकर हम मेरा आदमी गए, हमको यही सब कुछ मिला। तो आपकी इस पंचायत के जन प्रतिनिधि आपको मिले हैं अभी तक? जी सब आए। क्या आश्वासन दिए? आश्वासन दिए कि ठीक हम जहाँ तक होगा पैरवी करेंगे, कर रहे जो भी पदाधिकारी होगा आएगा। अग्निशमन भी आए थे वह जबकि आग रखो तो अभी अपना प्रयास किए, पानी का छिड़काव की सारे व्यवस्था किए। घर में और कौन कौन सी चीज़ें आपके जमी सर? दो थे जो 20 मन पुराना चावल गेहूँ था, गोटे मन लहसुन था, 5 ड्रम गेहूँ था, 5-8 चौकी था, केवाड़ी था, जो भी नौकरी का कागजात था, इलेक्शन ड्यूटी वाला कागजात था, सारा जलकर राख हो गए, नहीं निकाल पाए आग में। तो ये पीड़िता पैन कार्ड था, डेबिट कार्ड। तो ये पीड़िता परिवार दिनेश पासवान की है, ये काफी गरीब और निर्धन परिवार है और इनका चार घर जल जाना इस तरह से ये गरीब के लिए वाकई एक चौंका देने वाली खबर है। इनका यही आस है पीड़िता परिवार का कि सरकारी स्तर से इसके विभागीय जो भी अधिकारी हैं इन्हें अपनी आर्थिक सहायता देने की कृपा करें ताकि पीड़िता परिवार को कुछ सरकार से मुआवजा मिलेंगे तो इतनी भरपाई हो पाएगी। पीड़िता परिवार के एक सदस्य है, इनसे भी जानते हैं। क्या नाम है आपका? रेडीलाल पासवान। क्या हुआ आपके यहाँ? मेरे घर में आग लग गया है जी और सब कुछ जल गया है। चौकी कबार माल जाल देर घर गया है, कपड़ा लत्ता जितना था सब जल गया है, जल जिनिस पंखी जो था सब जल गया। इसकी जानकारी आपने? हाँ दिए थे, मैं आया सुबह में आया, रात में भी आया, सब आया देख कर और जो बोल के गया है कि ठीक है हम जहाँ तक कोशिश होगा वहाँ तक हम करेंगे। यही सब बोल कर घर में और सब क्या सब जला? तमाम तो बहुत जला था ना, चौकी जला है, बहुत बर्तन और जला, कपड़ा लत्ता बहुत जला है, माल भी घर गया, भैंस यही सब। तो आप देखिए यहाँ पे चार घर एक साथ जल जा रहा, काफी दुर्भाग्य है। और चार घर एक साथ तीन परिवार तीन चार अपने आप देखिए का रिपोर्ट देखिए, चार घर जो जली है इसका देखिए किस तरह का नजारा है और चार घर एक साथ जल गया है दो परिवार और तीन परिवार। इसमें चार घर जलने के क्रम में तीन परिवार जैसे आज हुआ एक साथ तीन परिवार आज हुआ। तो आज के लिए इतना ही, देखते रहिए बड़े भाई उनका भी हो गया। कैमरामैन अरविंद कुमार के साथ योगेश्वर पासवान सुपो।